नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक वर्मा और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दीपक पेट्स लवर चैनल में। तो फ्रेंड, आप जो मैं आपको दिखाऊंगा वो आपने पहले भी कभी देखा होगा, लेकिन मैंने सोचा कि जो नए दोस्त हैं उनके लिए वीडियो बना के डाल दूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अभी पक्षी बैठे हुए हैं, ये गर्मी काफ़ी है, धूप बहुत तेज़ हो रही है, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं इनको इस तरह से नहलाऊं। ये देखिए, आप भी इनको इस तरह से नहला सकते हैं पानी के फव्वारे से, काफ़ी अच्छे से ये नहाते हैं। देखिए ये नहा रहा है ना, ये भी आ गए नहाने के लिए। ये देखो, ये भी हैं तैयार, सारे के सारे आ रहे हैं नहाने के लिए। ये देखो किस तरीके से नहा रहे हैं ये पानी से, बड़े आराम से। इनको ठंडक मिलती है काफ़ी इससे, पानी ठंडा हो तो और बढ़िया बात है। ताज़ी पानी, ठंडे का मतलब फ्रिज का पानी नहीं होना चाहिए, ठंडा हो, ताज़ी हो पानी नल का, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा नहीं कि आप ठंडा पानी ले आएँ फ्रिज का, वो तो नुकसान कर जाएगा। नॉर्मल पानी हो, आप इस तरह से फुब्बारे से इसको नहला दें। कितने अच्छे से ये देखो, ये नहा रहा है, ये देखिए, ये देखो, देख रहे हैं ना आप कितना बढ़िया से नहा लिया। ये भी आ गए, ये भी आ गया, और बहुत से बर्ड हैं आपके पास, तो आप भी नहला सकते हैं उनको, गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं होती। और ज़्यादातर ये काम आप सुबह या शाम को करें, दोपहर में इस काम को ना करें। इससे जो ह्यूमिडिटी लेवल होता है वो भी बना रहता है, नमी वाला। सभी बर्ड को आप नहला सकते हैं। तो दोस्तों, देख रहे हैं आपने, ये इस तरह से आप इनको बड़े प्यार से नहला सकते हैं। ये भी बहुत प्यार से नहाएंगे, इससे ये होता है कि ये अंडों पर बैठेंगे तो अंडों में भी नमी बनी रहेगी। देखो सब आ रहे हैं नहाने, एक एक करके सभी को नहाने का शौक़ होता है। या आप इनको दूसरा भी तरीका है नहलाने का, उस तरीके से भी नहला सकते हैं। आपके पास इसकी व्यवस्था नहीं है तो, जैसे कि आप किसी बड़े बर्तन में पानी ले लें और उस बड़े बर्तन में पानी करके उसमें थोड़ा सा घास डाल दें, दूब घास जो होती है, घास डाल दें, मेथी डाल दें, धनिया डाल दें, कोई भी चीज़ डाल दें उस बर्तन में, तो ये उसके सहारे उसमें नहा लेते हैं, बहुत अच्छे से नहाते हैं उससे। ये बड़े से बर्तन में आप, जैसे कि किसी परात में या किसी प्लास्टिक के बर्तन हो बड़ा वाला, उसमें आप पानी कर दें, अच्छे से स्प्रे कर दें, बहुत अच्छे से नहाते हैं। और ये भी हैं देखिए, इनको भी आप नहला दीजिए, काकाटील। इससे ये देखिए, ये भी आ गए नहाने, सबको नहला दीजिए इस तरह से, बहुत अच्छा रहता है, तरी मिल जाती है पक्षी को। इसी तरह से आप नहला सकते हैं, देखो ये बच्चा भी नहला रहा है, नहलाओ। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें।